हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये नेम ऑफ एम्प्लॉई है और ये इतने बजे आते हैं वो टाइमिंग है, ये इतने बजे जाते हैं वो टाइमिंग है। तो अब हमें यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे यहाँ इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पर पहले गोइंग टाइम को सेलेक्ट कीजिए, यानी गो एट कितने बजे वो जाते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ माइनस करिए, फिर ये कम कितने बजे आते हैं वो सेलेक्ट कीजिए और एंटर करिए। तो यहाँ पे देखिए ये 9 AM आ जा रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे AM 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 ये क्या चीज है। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो बस 2 मिनट वेट कीजिए, अब ये आपको बात सारी समझ में आ जाएगी। देखिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और क्लिक करने के बाद क्या करना है, फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तरीके कई हो सकते हैं, हम यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस कर लेते हैं, तो कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है AM PM, ये दिख रहा है ना AM PM। देखिए ये जो AM PM यहाँ पे लगा हुआ है इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से ये हटा दिया, इस तरीके से AM PM दोनों हटा दिया और यहाँ से ओके कर दीजिए। अभी इसको ड्रैग कर दीजिए दोबारा से, तो यहाँ पर ये टोटल वर्किंग आवर निकल आएगा, ठीक है। 8:30 से 5:30 तक 9 घंटे हुए, ठीक है। 10 बजे से 6 बजे तक 8 घंटे हुए, 10:30 से 5 तक 6.5 घंटे हुए, 11 से 3 तक 4 घंटे हुए, यानी ये वर्किंग आवर निकल आया। अब हमको यहां क्या करना है, यहां पर हमको टोटल वर्किंग आवर कैलकुलेट करना है। तो इज इक्वल टू का निशान लगाइए, यहां सम का फॉर्मूला लगाइए और टोटल वर्किंग आवर कैलकुलेट कर डालिए यहां से, इस तरीके से। अब इसे बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो यहां 3 घंटे 30 मिनट आ रहा है जो कि गलत है। देखिए ना यहाँ पे 9 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे, तो 3 घंटे 30 मिनट थोड़ी ना आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, फिर वापिस से वही काम करना है, फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। इस बार हम दूसरे तरीके से फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और नीचे दिया हुआ है फॉर्मेट सेल्स, यहां पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो H लिखा हुआ आ रहा है, देख लीजिए एक बार फिर से, ये H के ठीक पहले जाइए और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कर दिया। अब H के ठीक बाद जाकर के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बस इतना ही काम आपको करना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब ये ओके कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के 27 घंटे 30 मिनट यहाँ पे आने लगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप टैली की लाइव क्लास करना चाहते हैं तो इस संडे को, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 तारीख को संडे को शाम को 4 बजे से, देखिए आमतौर पर मैं 7 बजे से लाइव क्लास लेता हूँ, लेकिन शाम को 4 बजे से लाइव क्लास चलेगी। अगर आप जोड़ना चाहें तो पूरी टैली का समाधान उसमें मैं दूंगा, कोशिश करूंगा कि पूरी टैली बताई जाए, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं उस क्लास से, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।